Hello everyone, welcome to Solution Basket. Today we will learn about camp plants. तो camp plants को हम crassulacean acid metabolism भी बोलते हैं. camp plants की full form क्या होती है? crassulacean acid metabolism. तो camp plants ऐसे plants होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा high temperature में grow करते हैं और वहाँ की जो condition होती है वो बहुत ज़्यादा dry होती है. मतलब जैसे कि आप रेगिस्तान को सोच सकते हैं. जैसे कि रेगिस्तान में क्या होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है और वहाँ की जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन होती है. तो ऐसे जगह पे मिलने वाले प्लांट्स को हम कैंप प्लांट्स बोलते हैं. और इन प्लांट्स में बहुत तरीके के अडेप्टेशन देखे जाते हैं. ये प्लांट्स क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर होने पर भी इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है. जैसे कि C4 प्लांट में कैसा होता है, वो भी हाई टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं. लेकिन जो कैंप प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, वो C4 प्लांट से भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं. और क्योंकि इनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ की जो कंडीशन होती है ड्राई होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर की स्कार्सिटी होती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. ऐसी जगह पे ये कैंप प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो जैसे कि C4 प्लांट्स में क्या होता है, C4 पाथवे मिलता है, उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसको C4 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो उनमें मिलने वाला C4 पाथवे जो है उससे उसे काफ़ी मदद मिलती है फोटोसिंथेसिस में. ऐसे ही कैंप प्लांट्स में भी कुछ अडेप्टेशन होते हैं जिससे इनकी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से होती है. तो C4 पाथवे में क्या होता है कि जैसे कि वो हाई टेम्परेचर होने पर CO2 को ट्रैप करते हैं और उनको बंडल सीट सेल में भेज देते हैं जहाँ से वो केल्विन साइकिल में एंटर हो जाती है CO2. ऐसे ही कैंप प्लांट्स में और में क्या होता है, कैंप प्लांट और C4 प्लांट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि वो तो दिन के समय में CO2 को ट्रैप करते हैं, लेकिन कैंप प्लांट्स में ऐसा नहीं होता. ये क्या करते हैं, CO2 को ये रात के टाइम पे ट्रैप करते हैं. अगर ये दिन के टाइम पे ऐसा करेंगे तो इनका जो वाटर लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कैंप प्लांट्स ऐसी जगह पर हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्राई है. अगर ये दिन के टाइम पे अपने इंस्ट्रोमेंटा ओपन करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए और CO2 को ट्रैप करेंगे तो CO2 तो ट्रैप हो जाएगी, लेकिन जो है साथ साथ वाटर का बहुत ज़्यादा डोज हो जाएगा. तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये रात के टाइम पे अपने इंस्ट्रोमेंटा को ओपन करते हैं और CO2 को ट्रैप करते हैं. तो इस तरीके से इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. और दिन के टाइम पर क्या होता है, दिन के टाइम पर केल्विन साइकिल होता है. तो दिन के टाइम पे केल्विन साइकिल होता है और फिर लाइट रिएक्शन होगी, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन होते हैं और केल्विन साइकिल के जो एंजाइम होते हैं वो दिन के टाइम पे ही एक्टिवेट होते हैं. तो इसलिए दिन में केल्विन साइकिल होता है और रात को ये क्या करते हैं, रात को ये CO2 को ट्रैप करते हैं. तो इस वजह से जिससे वाटर लॉस ना हो ये रात के टाइम पर ऐसा करते हैं. यही इनमें एक अडेप्टेशन की तरीके से इनमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. कैंप प्लांट्स में जैसे कि कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल, पनीला, अगेओ, कैक्टस, यूफोरबियासिस, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो कैंप प्लांट्स के अंदर आते हैं. तो C4 प्लांट्स और कैंप प्लांट्स में सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि जैसे हमने C4 प्लांट में C4 पाथवे देखा था, तो और कैंप प्लांट्स में कैंप साइकिल होता है, तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि मोस्टली रिएक्शन दोनों की सेम ही होगी, लेकिन इतना डिफरेंस होगा कुछ कैंप प्लांट्स में कुछ रिएक्शन दिन के टाइम पे होगी और कुछ रात के टाइम पे होगी. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ग्रो होते हैं और वहाँ की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है. तो इस वजह से इनमें बस ये माइनर सा डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम ही होती है, मोस्टली सारी रिएक्शन सेम ही होती है. तो इस तरीके से प्लांट कैंप प्लांट जो है अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डे टाइम कैंप प्लांट्स प्रोक्योर CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम. तो दिन के समय में जो कैंप प्लांट है वो CO2 को फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से प्राप्त करते हैं. नंबर एक पाइरुविक एसिड, नंबर टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, नंबर तीन ऑक्जेलिक एसिड और थर्ड इज फोर्थ मैलिक एसिड. तो जो कैंप प्लांट्स हैं वो मैलिक एसिड से लेते हैं. जैसे कि हमने C4 बात में पढ़ा था कि जब बाइकार्बोनेट CO2 को ट्रैप करके बाइकार्बोनेट के साथ फिक्स बाइकार्बोनेट में बदल जाया जाता है
और फिर बाइकार्बोनेट को पैप के साथ फॉस्फेनॉल पाइरुवेट के साथ मिला के ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सैलोएसीटेट फिर मैलेट में बदल जाती है, और वो मैलेट क्या करता है, CO2 को रिड्यूस करता है। वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है जिससे CO2 रिलीज होती है, तो वो ही फिर कैल्विन साइकिल में जाती है। तो जो कैम्प्लांट्स है वो मैलिक एसिड से CO2 को लेते हैं। क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू ऑर्गेनिक एसिड एंड देन रिलीज इट फॉर यूज इन द कैल्विन साइकिल। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो CO2 को इनको इनऑर्गेनिक एसिड में इनकॉर्पोरेट करता है, फिर उसको कैल्विन साइकिल में यूज होने के लिए छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। तो C3 प्लांट, C4 प्लांट, C3 एंड C4 प्लांट, C4 एंड कैम प्लांट्स। तो ऐसे होते हैं C4 एंड कैम प्लांट्स, क्योंकि जब हमने देखा था कि जब दिन जो CO2 को ट्रैप करते हैं और फिर उसको बंडल शीट सेल में छोड़ देते हैं, फिर जो वहाँ से जो CO2 है वो कहाँ चल जाते हैं, कैल्विन साइकिल में एंटर हो जाती है। तो ऐसा सिर्फ दो ही प्लांट में होता है, C4 प्लांट्स में और कैम प्लांट्स में। C3 प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, और जो कैम प्लांट्स और C4 प्लांट्स हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन इज इन कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज रिड्यूस CO2 टू मेक मैलिक एसिड। स्टोमेटा ओपन ओनली ड्यूरिंग द डे। वैस्कुलर टिश्यू इज सराउंडेड बाई ए बंडल ऑफ से सीथ। रुबिस्को इज एक्टिवेटेड ओनली एट नाइट। तो फोर्थ ऑप्शन जैसे कि रुबिस्को इज एक्टिवेटेड ओनली एट नाइट, ऐसा तो नहीं होता। रुबिस्को जो है वो दिन में एक्टिवेट होता है, क्योंकि जो कैम प्लांट्स हैं उनमें दिन में कैल्विन साइकिल होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। वैस्कुलर टिश्यू इज सराउंडेड बाई ए बंडल ऑफ सीथ से, ये भी गलत है। स्टोमेटा ओपन ओनली ड्यूरिंग द डे, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैम प्लांट्स में ऐसा तो नहीं है कि दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होंगे। अगर ऐसा होगा तो उनका वाटर लॉस हो जाएगा, तो वहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं वो कैम प्लांट्स में रात को ओपन होते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज रिड्यूस CO2 टू मेक मैलिक एसिड। तो वहाँ पे जो एंजाइम होता है ये पेप्सी एंजाइम क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है पैप को और बाइकार्बोनेट को, जिससे CO2 जिससे मैलिक एसिड बन जाता है, मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज इन कैम प्लांट CO2 एक्सेप्टर एट नाइट इज। कैम प्लांट्स में CO2 का एक्सेप्टर कौन सा होता है, तो CO2 का जो एक्सेप्टर होता है वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। जब CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट में बदल जाती है, तो सबसे पहले कौन उसको लेता है, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट उसको एक्सेप्ट करता है। बाकी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा कैम प्लांट्स में। सो दिस दीज ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द कैम प्लांट्स। सो 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट। कैम प्लांट्स हैव एन अडोप्टेड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस दैट प्राइमली अलाउज देम टू। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सर्वाइव इन एरिड कंडीशन। तो कैम प्लांट्स में जो अडेप्टेशन होते हैं वो उनको किस लिए हेल्प करते हैं, जिससे वो एरिड कंडीशन में हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके। सो दिस क्वेश्चन आर कंप्लीटेड। सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।